बेटी और मेरे हस्बैंड के रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं 8-9 महीने से। ओके हम दोनों के बीच भी कोई और लड़की आ गई है तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? देखिए हम जनरली बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो वास्तु नंबर वन है इसमें आपको सुख देने के लिए और दुख भी देने के लिए। साउथ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम है तो प्रॉब्लम आती ही आती है। लाइट ग्रीन कलर करना है आपने अपने मास्टर बेडरूम में। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स आपने अपने नज़दीक रखनी है, फॉर श्योर इससे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं और स्टेबिलिटी बनती है। डॉक्टर साहब कुछ और कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए जो ध्यान में रखे जाएँ, साउंड्स की बात की जाए जो ध्यान में रखी जाए? इन जनरल हम बात कर रहे हैं शादी की और ओवरऑल देखिए शादी का माहौल आपने अपने घर में बनाना है तो टूटी हुई चीज़ें सबसे पहले हटा दीजिए। टूटी हुई चीज़ें आपके घर में इनकम्प्लीटनेस लेकर के आती हैं, कभी भी वह चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। सोफ़ा आपका फट जाता है उसकी अपहल स्टोरी आप चेंज नहीं करते हैं, उस पर कवर डाल देते हैं। जनरली क्या होता है कि पर्दे बहुत मैले हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, उन्हें आप धोते नहीं है, तो नेगेटिव एनर्जीज को आप स्टोर करके रखते हैं, पालते हैं, तो उन्हें पालिए नहीं, उन्हें हटा दीजिए। साउंड्स की बात जहाँ पर करते हैं तो दरवाज़ों की चर्राहट जो होती है, जो दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ होती है, वह आवाज़ नहीं होनी चाहिए, अलमारी से आवाज़ नहीं होनी चाहिए, यह सब नेगेटिव एनर्जीज निकालती हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। जी जी डॉक्टर साहब कुछ और कीमती टिप्स जो आपके जहन में हो जो शादी करवाना चाहते हैं, मैं भी शादी करवाना चाहता हूं, मेरे भी काम के टिप्स होंगे तो आप बताना चाहेंगे? जी बहुत ही यूजफुल है लाइव वास्तु टिप्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने घर की एनर्जी को क्लीन करना है जो कि हमने आपको बताया। उसके बाद लाइव वास्तु अप्लाई करने के लिए आप कुछ अच्छे पिक्चर्स अपने घर में लगा सकते हैं, जोड़ों की तस्वीरें आप लोग लगाएं, जैसे कि बर्ड्स की पिक्चर अगर आप लगाएं तो डबल बर्ड्स की लगाएं, एक सिंगल बर्ड की पिक्चर ना लगाएं, और कोशिश कीजिए कि जितनी भी टूटी हुई चीज़ें हैं वह हटा दीजिए। डॉक्टर साहब अगर कोई लव मैरिज में कामयाब होना चाहता है कुछ इसके लिए भी लाइव वास्तु हेल्प कर सकता है? क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए गारंटी कभी भी नहीं कहते हैं कि हम उपाय दे रहे हैं गारंटी से हो गया, क्योंकि हम गारंटी दे नहीं सकते, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, भगवान ने ही सबकी लाइफ को बनाना है। क्रिस्टल्स लेकिन बहुत हेल्प करते हैं, आपको अच्छी एनर्जीज देते हैं और वह काम पॉसिबल होने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप लोग यूज़ करें जिनको भी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, डिले मिल रहे हैं। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बॉल्स आप अपने नज़दीक रखें, चाहे आप अपने बैग में रखें, चाहे आप अपने ऑफिस में रखें, चाहे आप अपने बेडरूम में रखें। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज़ द नंबर वन क्रिस्टल टू इम्प्रूव योर मैरिड लाइफ एंड टू गेट मैरिड। उसके साथ साथ मून स्टोन बॉल्स भी आप रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब कई बातें जो हैं वो जहन में नहीं रखी जाती, शादी अचानक प्लान हो जाती है, कुछ खास तरह की बातें ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ प्लानिंग करनी होती है और उस प्लानिंग के दौरान सारी उन चीज़ों को शामिल करना होता है, बिना प्लानिंग के कई बार शादी कर ली जाती है? जी बिना प्लानिंग के शादी कर ली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह तो वास्तु अच्छी है आपके घर में कि बिना किसी झंझट के आपकी शादी हो जाती है। तो मेरा मानना यही है क्लीन एंड ईजी वे टू मैरिज इज ऑलवेज गुड, लेकिन आप अपने घर में पुराने कपड़े अगर रखते हैं तो उन्हें धो करके रखें। पुराने कपड़े अगर आप रखेंगे और वह धुले हुए नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अड़चनें ज़रूर आपको मिलेंगी। आपके कारपेट अगर फटे हुए हैं तो आपको अड़चनें मिलेंगी। साउथ और साउथ वेस्ट की दीवार पर अगर क्रैक्स आ गए हैं और उन क्रैक्स को आप भर नहीं रहे हैं तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम मिलेगी, एकदम अचानक से हुई चीज़ भी टोटली एंटी हो जाएगी आपके लिए। डॉक्टर साहब बीइंग मोटिवेटर, क्योंकि आपके लेक्चर्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, सोल का रिश्ता होता है शादी जी, का सोल तो कुछ बहुत सारी बातें होती हैं जो पति पत्नी को शादी के बाद भी ध्यान में रखनी होती हैं, तो बीइंग मोटिवेटर कुछ ऐसी बातें जो हम पति पत्नी को दोनों को जहन में रखनी होती हैं? देखिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है कर्मा थ्योरी, मैं हमेशा अपनी थेरेपी में अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। कर्मा थ्योरी को आप अपने ज़रूर यूज़ कीजिए, जो भी आपने सो किया है, जो भी आपने बोया है आप वही काटेंगे। हमारे रिलेशनशिप्स डेस्टिन्ड हैं, जो लिखे हुए हैं वही हमें मिलेंगे, तो हमने एक दूसरे का साथ देना है इस लाइफ को समझने के लिए, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एडजस्टमेंट्स हैं, फाइन ट्यूनिंग है, बैलेंसिंग है जो आपने करके चलनी है, बहुत ही अच्छी कर्मा थ्योरी है। डॉक्टर साहब कुछ छोटी छोटी चीजें जो घर में रखी जा सकती हैं या ऑफिस में रखी जाती हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं? एक बहुत ही अच्छा उपाय है अगर आप मैरिड लाइफ को और अपनी लाइफ को मतलब एक अच्छी दोस्ती में ले जाना चाहते हैं, जो कि शादीशुदा जिंदगी में दोस्ती बहुत ही मुश्किल होती है, श्वेतार्क गणपति
आप अपने घर की चौखट पर बांध के रखें, चाहे आपकी बेटी है चाहे बेटा है, आपको बहुत हेल्प करेगा।